कृषि विपणन बोर्ड के अध्यक्ष बलदेव भंडारी ने कहा है कि प्रदेश और केंद्र की सरकारें किसान हितैषी हैं और किसानों के हित को देखकर सरकारों ने कई योजनाएं चलाई हैं। उन्होंने बताया कि अब किसानों का शोषण कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आगामी समय में उचित रणनीति बनाकर किसानों के हितों में वो काम करेंगे ताकि किसानों के शोषण को रोका जा सके। बलदेव भंडारी ने ये बात सोलन में पत्रकार वार्ता के दौरान कही। कृषि विपणन बोर्ड के अध्यक्ष बलदेव भंडारी ने कृषि बोर्ड का अध्यक्ष बनाए जाने पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि उन्हें जो दायित्व सौंपा गया है उसका वो सही तरीके से पालन करेंगे। उन्होंने कहा कि किसानों की कोई भी समस्या हो उसके ऊपर गंभीरता से विचार किया जाएगा और किसानों का शोषण किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भंडारी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई ई नाम के तहत सोलन मंडी ने बेहतरीन कार्य किया है, लेकिन अभी भी इस काम में बहुत कमियां हैं जिन्हें दूर किया जाएगा। मंडियों में चल रही धांधलियों को समाप्त करना सबसे पहली प्राथमिकता होना चाहिए, क्योंकि टमाटर करेटों के माध्यम से बिकते हैं जिससे किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। यदि किलो के हिसाब से बिकता है तो किसानों को सीधा लाभ होगा। इसके अलावा टमाटर, शिमला मिर्च सहित विभिन्न फसलों पर मंडियों में एक किलो से अधिक वजन कम करके लिखते हैं जिससे आढ़तियों को हजारों किलो का लाभ मिलता है और किसानों को इसका नुकसान होता है। अभी भी बहुत समस्या है अपनी उपज को बेचने के लिए, क्योंकि जो किसान पैदा करता है, उत्पादन पैदा करता है, और जो हमारा कंज्यूमर है, जो उसको उपभोक्ता है, उसके बीच का जो अंतर है, उसका जो गैप है, अभी बहुत ज़्यादा है। मेरा आने वाले समय में प्रयास रहेगा कि जो आदरणीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने मुझे किसानों से संबंधी ये जिम्मेदारी दी है, मेरा प्रयास रहेगा कि मेरे किसानों को जो खेत में पसीना बहाता है, जो दिन रात मेहनत करता है और अपना सब्जी फल फसलें पैदा करता है, उसको उसका उचित दाम मिले, उसके लिए मैं आने वाले समय में प्रयास करूंगा। इस समय 11.72 करोड़ रुपया हमारा ई नेम के माध्यम से सीधा किसानों के खाते में हमारा पैसा गया है और ये हमारा देश में पिछले साल नंबर एक पे थे और इस साल भी हम नंबर एक नंबर दो पे चले हुए। ये भी हम प्रयास करेंगे, क्योंकि अभी भी क्रेट के हिसाब से बिकता है। मेरा ये प्रयास रहेगा कि वजन के हिसाब से हमारा टमाटर बिके, ऐसा मैं आने वाले समय में प्रयास करूंगा। ऐसा अपने जो मेरा स्टाफ है उसको ऐसे आदेश दूंगा। ये भी मेरा सिटी चैनल के लिए सोलन से दीपक शर्मा की रिपोर्ट।